अब आ जाएगी आवाज। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सिक्वेंशियल रिएक्शंस मेनली डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ए की, इंटरमीडिएट की और फाइनल प्रोडक्ट पी की कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में डिराइव किए थे, और साथ में हमने कुछ कंडीशंस पर भी इन फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया था। जब K2 K1 से बहुत ज्यादा है तब क्या होगा, जब K1 K2 से बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, और जब K1 इक्वल्स टू K2 है तो क्या होगा। स्पेशली जब हमने K2 वेरी वेरी ग्रेटर देन K1 ये वाली कंडीशन ली थी, तो यहां पर मैंने दो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे, स्टेडी स्टेट क्या होता है और दूसरा RDS। स्टेडी स्टेट के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर K2 K1 से बहुत बड़ा है, K2 K1 से बहुत बड़ा है तो स्टेडी स्टेट इंटरमीडिएट जो है वो स्टेडी स्टेट में होगा, यानी जितना इंटरमीडिएट बन रहा होगा उतना ही वापस रिएक्ट कर रहा होगा, बट इसकी कंडीशन है कि K2 K1 से बहुत बड़ा होना चाहिए। और सेकंड RDS के लिए मैंने कहा था कि अगर एक रिएक्टेंट जो है बहुत सारी स्टेप्स के थ्रू फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी, जिसका रेट कॉन्स्टेंट सबसे कम होगा, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज जिसका रेट कांस्टेंट सबसे कम हो, उसे आप लेकिन स्लोवेस्ट नहीं बोलोगे, उसे स्लोवेस्ट नहीं बोलोगे, उसे ये बोल सकते हो कि जिसका रेट कांस्टेंट सबसे कम है। और थर्ड केस जो हमने लिया था वो था जब K1 इक्वल्स टू K2, उसमें इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो 0/0 की फॉर्म में आ रही थी, तो आपको उसको लिमिट लगा के सॉल्व करना होगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। फिर से बता दूं, अगर K1 इक्वल्स टू K2 है तो इंटरमीडिएट जो है वो स्टेडी स्टेट में नहीं रहेगा, बिकॉज फॉर स्टेडी स्टेट K2 जो है वो K1 से बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो करण शर्मा जी का एक इन लिमिट पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, फिर अगर लिमिट नहीं पढ़ा है तो फिर वो नहीं क्लियर होगा, तो आपको पहले लिमिट समझना पड़ेगा, बिकॉज वो लिमिट के कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। तो फाइनली तीन तरह के केसेस हमने लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन और सिक्वेंशियल रिएक्शन। खासकर मैं ये कहूंगा ये दो पॉइंट जो है, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट और RDS क्या होता है, ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, JEE मेंस हो या JEE एडवांस हो, यहाँ पर इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, इस तरह से नहीं कि पूरा डेरिवेशन आप देख रहे हो, पॉइंट्स लिखिए उसके अंदर, और टोटल इस तरह से याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इन फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन, लेट से आपने पॉइंट्स मार्क करिए, इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ये है, पी की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ये है, टी मैक्स की टी मैक्स निकालने का फॉर्मूला लिख लिया आपने, व्हेन के वन के टू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के वन उसका उस पर क्या होता है वो लिखा, व्हेन के वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के टू तब की कंडीशन लिखी, इस तरह से पॉइंट वाइज लेट से आपने एट पॉइंट्स बनाए, वो एट पॉइंट्स की एक समरी रखो, रजिस्टर को बंद करो, पहले रिकॉल करो कि क्या वो एट पॉइंट्स आपको याद है या नहीं। ठीक है ना, अब इसी के एप्लीकेशन पे मैं आ रहा हूँ, इसी के एप्लीकेशन पर हम आ रहे हैं। कुछ और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होती है जिसके लिए हमें कहा जाता है कि रेट लो लिखो, रेट लो लिखो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी तो रिएक्शन हमने या तो केवल रिवर्सिबल ली या पैरेलल ली या फिर सिक्वेंशियल ली, अब हम बात कर रहे हैं रेट लो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, ये एक तरह के एग्जाम्पल्स है कि और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम कैसे रेट लो लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया, ट्वाइस एनओ टू प्लस एफ टू कन्वर्टिंग इन टू ट्वाइस एनओ टू एफ, लेकिन हमें गिवन है ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म भी हमें गिवन है, इसकी मैकेनिज्म हमें गिवन है। इसमें होता क्या है, पहले एक NO2 और एक F2 का मॉलिक्यूल ये कोलाइड करके NO2F बनाते हैं और एक फ्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। ये फ्लोरीन फ्री रेडिकल जो होता है वो एक और NO2 मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, एक और NO2 मॉलिक्यूल से कोलाइड करके NO2F बनाता है, यानी ये रिएक्शन जो है दो स्टेप में होती है।
पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इसका रेट कांस्टेंट के वन, इसका रेट कांस्टेंट के टू। इसमें हमें क्वेश्चन में ही ये भी गिवन होता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म विल बी प्रोवाइडेड टू यू, बिकॉज क्या होगी वो हमें नहीं पता। और इसके साथ में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि ये स्लो है और ये फास्ट है, ये स्लो और ये फास्ट, ये इंफॉर्मेशन भी यहां पर गिवन। दो हम थोड़ा खुद हम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर फ्री रेडिकल बन रहा है और यहां पर फ्री रेडिकल रिएक्ट कर रहा है तो उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये फास्ट होनी भी चाहिए और गिवन भी है। लेकिन यहां पर फिर से मैं बता दूं, अगर स्लो और फास्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब पता है क्या है? स्लो जहां लिखा हुआ है उसका मतलब उसका रेट कॉन्स्टेंट कम है, फास्ट लिखा हुआ है उसका मतलब रेट कांस्टेंट ज्यादा। रेट कांस्टेंट से रिलेट करोगे बिकॉज रेट तो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। तो स्लो और फास्ट थ्रू आउट हर जगह पर आप देखोगे, कहीं पर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है वो रेट कांस्टेंट से होगा। नाउ अब यहां पर क्या हो रहा है, ये सिक्वेंशियल रिएक्शन ही है, NO2 से एक फ्री रेडिकल बन रहा है और वो फ्री रेडिकल जो है वो फर्दर रिएक्ट कर रहा है। बट अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले क्या था, एक ही रिएक्टेंट था, एक इंटरमीडिएट बना और एक प्रोडक्ट बना। अब यहां पर क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट भी बन रहा है साथ में प्रोडक्ट भी बन रहा है, वो इंटरमीडिएट फर्दर किसी और के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा। तो अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर मुझे ये गिवन है कि ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो इसमें जितनी भी स्टेप्स होगी वो सब एलिमेंट्री होगी। रिएक्शन स्टेप्स में जितनी भी स्टेप्स होगी वो सब एलिमेंट्री होगी, यानी ये भी एक एलिमेंट्री स्टेप है, ये भी एक एलिमेंट्री स्टेप है, और अगर ये एलिमेंट्री है तो डेफिनेटली इनका ऑर्डर जो होगा वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा। दैट मीन्स ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ये भी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो कहीं पर भी अगर ये वर्ड आ जाए कि मैकेनिज्म ये है, मतलब ये सारी स्टेप्स जो है वो एलिमेंट्री होगी। अब हमें क्या करना है, तो यहां पर हमें वही किसी भी टाइम पर फाइनल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है कि फाइनल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 10 सेकंड्स पे क्या होगी, 10 मिनट्स पे क्या होगी, 1 आवर पर क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली कंसंट्रेशन, तो उसके लिए अगर रेट लो पता चल जाएगा तो रेट लो को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, डी एनओ टू एफ अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू बता दो, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी एनओ टू एफ अपॉन डी टी, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं आप। एक तरीका तो अब यह है कि सब कुछ एक्चुअल में करें, हम सब कुछ एक्चुअल में करें जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जैसे सिक्वेंशियल का पहले एक ही कंसंट्रेशन का फॉर्मूला निकाला, फिर इंटरमीडिएट का निकाला, फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट का निकाला। लेकिन यहां पर अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पर भी 2-3 पेज भर ही गए थे, यहां पर पता नहीं कितने पेज में जाके वो डेरिवेशन होगा क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा है, यानी बहुत मैथमेटिकल हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको अप्रोक्सीमेशन, यानी अप्रोक्सीमेशन करते हुए करेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये फास्ट है, मतलब K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, और अगर K2 K1 से बहुत ज्यादा है तो यहां पर दो तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये K2 ज्यादा है, ये K1 कम है, तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट उस पर डिपेंड करती है, जिसका रेट कांस्टेंट कम है तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करेगी, इस पर। यानी यहां पर ये जो रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन तो यही, तो इस ओवरऑल रिएक्शन की रेट, स्टेप्स को बहुत अच्छी तरह से देखना जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड मेथड है। तो यहां पर डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं होगा एग्जैक्टली। तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर है तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट जो होगी इस रिएक्शन की, अब आप इस रिएक्शन की रेट NO2 की टर्म्स में भी लिख सकते हो, F2 की टर्म्स में भी लिख सकते हो, और NO2 F की टर्म्स में भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। या तो आप ऐसे लिखो,
ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ आरडीएस, रेट ऑफ आरडीएस। तो यहां पर मैं कुछ भी एक लिख सकता हूं, वन बाय टू डी एन ओ टू एफ इंटू डी टी इक्वल्स टू रेट ऑफ आरडीएस क्या हो जाएगी, के वन एन ओ टू इंटू एफ टू, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ कह सकते हो अभी ये फाइनल फॉर्म में नहीं आया है, आपको इस टू को इधर ले जाना होगा। अब ये सेकंड ऑर्डर की तरह एक्सप्रेशन दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर की तरह आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, एक की कंसंट्रेशन ए दूसरे की बी, उसमें से एक्स रिएक्ट किया, इसका भी कुछ रिएक्ट किया, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आता क्योंकि केमिस्ट्री पार्ट यहीं तक है, बाकी तो इंटीग्रेट करना होता है, मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है तो यही पूछा जाता है। तो ये कौन सा मेथड मैंने लगाया, आरडीएस मेथड, आरडीएस मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। दूसरा मेथड स्टडी स्टेट मेथड, स्टडी स्टेट मेथड क्या कहता है कि अगर K2 K1 से बहुत ज्यादा है तो इंटरमीडिएट विल बी इन स्टडी स्टेट, तो इंटरमीडिएट विल बी इन स्टडी स्टेट। सिंस K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, तो ये जो इंटरमीडिएट है इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। फर्स्ट रिएक्शन से ये अपीयर हो रहा है तो फर्स्ट रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, NO2 F सॉरी NO2 इंटू F2 इक्वल्स टू K2 NO2 इंटू F। एक रिलेशनशिप यहां पर आ गया हमारे पास, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया कि अगर स्टडी स्टेट के अकॉर्डिंग K2 K1 से बहुत ज्यादा तो ये कंडीशन यहां पर फुलफिल होगी। अब स्टडी स्टेट मेथड क्या कहता है, देखिए दोनों मेथड्स को अलग करोगे, मिक्सअप नहीं करोगे। आरडीएस अलग तरीका है, सोचने का तरीका अलग है, वहां पर डायरेक्ट बोल दिया कि बाकी सारी स्टेप्स को भूल जाओ, केवल किससे मतलब रखो, आरडीएस से। ये स्टडी स्टेट, ये आरडीएस मेथड है कि बाकी स्टेप्स से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी स्टेप्स से हमें कोई मतलब नहीं है, राइट ओके। बाकी स्टेप्स क्या है उससे आरडीएस मेथड ये कहता है, बस इस आरडीएस यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उससे मतलब रखो, बाकी सारी स्टेप्स को भूल जाओ। बट स्टडी स्टेट मेथड अलग है, इसमें हमें सारी स्टेप्स को देखना है। अब हम देखें, हमें एनओ टू एफ की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो अब एनओ टू एफ फर्स्ट रिएक्शन से भी बन रहा है, सेकंड रिएक्शन से भी बन रहा है, तो यहां पर एनओ टू एफ फर्स्ट रिएक्शन से कितना बन रहा है, उसकी रेट क्या होगी, NO2 into F2, ये फर्स्ट रिएक्शन से बना, साथ में वो सेकंड रिएक्शन से भी बन रहा है, K2 into NO2 into फ्लोरीन फ्री रेडिकल, ये फर्स्ट स्टेप से बन रहा है, ये सेकंड स्टेप से बन रहा है, तो ओवरऑल NO2F के बनने की रेट इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है स्टडी स्टेट मेथड से, याद ही इसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं। और यहां पर भी मैं आपको बता दूं, जब भी कभी हम रेट लो लिखते हैं तो जो हमारा रेट लो का आंसर होता है उसमें कभी कोई इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होना चाहिए होगा। उसका तरीका क्या है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, के वन एनओ टू एफ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, के वन एनओ टू एफ टू, और यहां पर भी K1 NO2 F2 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसकी जगह पुट कर दो तो 2 K1 NO2 F2। दोनों मेथड से सेम रिजल्ट आया है, दोनों मेथड से सेम रिजल्ट आया है। आप सोचो एक बार, सोच के देखो, P की कॉन्सेंट्रेशन जब हमने पहले फाइंड आउट की थी तो कितना टाइम लगा था, पहले इंटरमीडिएट फिर P की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाली थी,
अच्छा खासा लेंदी था। यहां पर भी अगर हम एक्चुअल में करते तो NO2F की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें बहुत सारी स्टेप्स करनी होती, बट वही फाइनल रिजल्ट केवल आपको यहां पर दो स्टेप में मिल गया, यहां पर भी दो स्टेप में मिल गया, यानी बहुत आसान सा हमने कर दिया। और वहां पर भी रिजल्ट यही आएंगे, ये नहीं कि सर ये तो अप्रोक्सीमेटेड नहीं, अगर K2 K1 से बहुत बड़ा है तो वहां पर भी रिजल्ट यही होंगे, यहां पर भी रिजल्ट यही होंगे। तो ये बेनिफिट हमने उठाया है कि जो अप्रोक्सीमेशन लास्ट टाइम हमने सिक्वेंशियल में डिस्कस किए थे उनका यहां पर यूज मैंने आपको बता दिया कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड सिक्वेंशियल रिएक्शन है वहां पर आप आंसर इन मेथड्स के थ्रू बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो। लेकिन हाँ, फिर से कह सकता हूं तभी कर पाओगे जब K2 K1 से बहुत बड़ा, अगर नहीं है तो फिर तो एक्चुअल जैसा होता है वैसे ही करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो सर मान लो यहाँ K1 और K2 बराबर होते तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर तो जो लेंदी तरीका है एक्चुअल में जो है वही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ना तो RDS कॉन्सेप्ट लगेगा ना स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट लगेगा, तो फिर हमें एक्चुअल में डिराइव करना पड़ेगा। तो अगर ये क्वेश्चन जब भी आएगा इसी तरह से आएगा। तो यहां पर अब मैं जो बता रहा हूं, हर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लो हम नहीं लिख सकते, हर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लो हम डिराइव नहीं कर सकते, हम कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही कर सकते हैं जहां पर हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, राइट। तो ये दो तरीके हैं, बहुत केयरफुली अच्छी तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करना, याद रखना। एक क्वेश्चन मैं अब आपको यहां पर दे रहा हूं, उसके लिए मुझे इस पार्ट को हटाना पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, स्टेप्स आपके सामने अभी भी लिखी हुई है जिसको आपको फॉलो करना है। 2O3 कन्वर्टिंग इनटू 3O2, इसकी मैकेनिज्म हमें दे रखी है, मैकेनिज्म O3 कन्वर्टिंग इनटू O2 प्लस O एंड O3 प्लस O, K1 K2 स्लो एंड फास्ट। करना क्या है, O2 के बनने की रेट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है दोनों मेथड से, यानी RDS मेथड से भी और स्टेडी स्टेट मेथड से भी, DO2/dt इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। बिल्कुल जो स्टेप्स आकाश दीक्षित ने पूछा है, अभी ये करने के बाद कॉलिजन थ्योरी टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करेंगे और कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, ये और पार्ट है इस चैप्टर के, वो भी आएंगे। काइनेटिक्स का अब हम वो पार्ट कर रहे हैं जो नॉर्मली बुक्स में भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं किया जाता है, मैंने इसको रिलेट किया सिक्वेंशियल से, मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है, ये क्वेश्चन है कर दो, इसका तरीका याद रखो, हमने इसको सिक्वेंशियल से रिलेट किया है, तो ये किस तरह से रिलेट हो रहा है काइनेटिक्स से वो आपको समझना है। KL कपूर आप यूज कर सकते हो, बट वो डिपेंड करेगा, पूरी KL कपूर पढ़ते नहीं, ऐसे नहीं होता। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी बुक जो है पढ़ने का तरीका जो अलग है, कुछ थ्योरी बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जहाँ प्रॉब्लम होती है उस पर्टिकुलर सेक्शन को वहाँ पर पढ़ना पड़ता है। बिकॉज ये जितनी भी बुक्स है, KL कपूर या एटकिंस ले लीजिए, CNR राव ले लीजिए, ये सब MSc लेवल की बुक्स हैं, ये MSc लेवल पर्टिकुलर केमिस्ट्री स्पेसिफिक बुक्स है, इनमें बहुत सारा कंटेंट है जो JEE से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ इन बुक्स को पर्टिकुलर इंडेक्स से रेफर करें कि मुझे एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है, वो पार्ट आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए कि एज पर JEE सिलेबस क्या अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
कि एक लेवल का डिफरेंस है। जेई सिलेबस में हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस करके हर एक चीज डिराइव करते हैं। यस, आप कह सकते हो जब आप हायर लेवल में जाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कौन सा पार्ट पढ़ा आपने केएल कपूर का? केएल कपूर का कौन सा वॉल्यूम पढ़ा है? विच वॉल्यूम? बट आई थिंक उसके अंदर बहुत कुछ और भी साथ में दे रखा है। अखिलेश मिश्रा जी ने एक क्वेश्चन पूछा स्पेशली आरसी मुखर्जी के लिए, तो मैं कहूँगा कि प्लीज, बहुत पुरानी बुक है, एक टाइम तक बहुत अच्छी थी, बट मेरे हिसाब से उसको अपडेट बिल्कुल नहीं किया गया है, तो वो अपडेटेड नहीं है, करंट जेई पैटर्न पर बिल्कुल नहीं है, तरीके जो है उसके अलग है सॉल्व करने के, तो इसलिए प्लीज़ मैं तो ये कहूँगा कि हाँ ना करें आरसी मुखर्जी। फिर से ये कहूँगा कि डायरेक्ट जो शीट्स हैं वो शीट्स आप सॉल्व करें, अगर आपके पास आपकी कोचिंग में से जो शीट्स मिलती हैं उनकी प्रैक्टिस करें। शीट्स आर असेंशियल, शीट्स बहुत ज़रूरी है, डीपीपी भी है बट शीट बहुत ज़रूरी है। फिर आपने वही क्वेश्चन पूछा, आप बताओ कौन सी बुक। बुक नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर क्वांटम आपको पढ़ना है तो देन गो फॉर फिनमैन सीरीज। इफ यू वांट टू रीड क्वांटम, आप फिनमैन सीरीज पढ़िए। बाकी देखिए, इंटरेस्ट है आप पढ़ते जाइए, ऑल दी बुक्स आर गुड। देख, सभी बुक्स अच्छी है, आपको समझ में आता है तो डोंट वरी, आपको पास टाइम है, आप पढ़ते जाइए। मैं साथ में ये कहूँगा कि जेई मेन्स, जेई एडवांस, इनके जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, बस अच्छी बात है। बुक्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ने से बहुत नॉलेज बढ़ती है, बहुत कुछ समझ में आता है, एंड एक नहीं आपको सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। ज्यादा मत सोचिए बुक्स के बारे में, ये जो मैं जितनी भी बुक्स के मैं नाम ले रहा हूं ये सब ऑप्शनल बुक्स है, दीज आर नॉट कि हाँ सर ने कहा तो हम अभी जाके पढ़ने लगे। इफ यू हैव इंटरेस्ट, आपको लग रहा है पढ़ने पर समझ में आ रही है, तो आप उनको करिए। फिनमैन हो गई, केएल कपूर हो गई, एटकिंस हो गई, ये सारी बुक्स उस तरह से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन पे मैं वापस आ रहा हूं, दो तरीके से करना है, राइट। पहले मैं कर रहा हूं आरडीएस मेथड से, आरडीएस मेथड से मैं कर रहा हूं इस पर्टिकुलर पार्ट पर, तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट, ये ओवरऑल रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे आप O2 की टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, 1/3 DO2 अपॉन DT, ओथे की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये ओवरऑल रिएक्शन की रेट हो गई। और एज पर आरडीएस कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड करेगी, स्लोवेज, तो यानी K1 into O3 आंसर। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसे ही किया था, यहां पर भी ऐसे ही करे, ओवरऑल रिएक्शन की रेट आरडीएस के बराबर कर दी, दैट्स इट। दूसरा तरीका, हाँ यहां मिस्टेक हो सकती है, अब यहां पर दोनों तरीके से आंसर सेम आना चाहिए, गड़बड़ कहां होती वो भी हम देखेंगे। अब O2 जो है दो रिएक्शन से बन रहा है, तो DO2 अपॉन DT, O2 के बनने की रेट, O2 के बनने की रेट यहां से फर्स्ट स्टेप से K1 into O3, K1 into O3,
लेकिन यहां पर मैंने आपसे कहा था ये जो रेट कांस्टेंट हम लिखते हैं ये रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन होते हैं। हाँ यहां पर आप कह सकते हो सिंस इसका कोफिशियंट भी वन है तो इसे रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन भी बोल सकते हो और रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ओ2 भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कोफिशियंट इसका 2 है तो ये रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ओ2 जो होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो अलग होगा। कैसे निकालोगे? रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ओ2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू के2, तो रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन निकालना है तो इसको 2 टाइम्स करना होगा K2 को। तो यहां पर हम रेट किसकी लिख रहे हैं? ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट जो है वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 है। तो यहां पर एक्सप्रेशन में केवल इस रिएक्शन के लिए अलग से लिखता हूं तो 1/d1/2 dO2/dt = K2 × O3 × O, ये सेकंड रिएक्शन के लिए हमने लिखा है। तो ये 2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो सेकंड रिएक्शन से O2 के बनने की जो रेट होगी वो क्या होगी? 2 × K2 O3 × O, 2 × K2 O3 × O होगी। ये 2 का फैक्टर यहां पर आया है इसीलिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी आपसे कहा था किसी भी बुक में ये नहीं लिखा होता है कि ये रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन, ऐसी लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन हर एक बुक के अंदर इसको इसी तरह से लिखा जाता है जिससे ये समझ में आता है कि ये के टू विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन है, ये के टू विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन है। अब हमें फिर से स्टडी स्टेट लगानी पड़ेगी, स्टडी स्टेट, अप्लाइंग स्टडी स्टेट फॉर ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो अब नेसेंट ऑक्सीजन इसका कोफिशियंट यहां पे भी वन है, यहां पे भी वन है, तो ये रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन भी बोल सकते हो, और सिंस कोफिशियंट ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन का वन वन है तो इसे रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू नेसेंट ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। तो के वन इंटू ओ थ्री बनने की रेट इक्वल्स टू के टू इंटू ये हो गया। अब इस वैल्यू को फिर से यहां पुट कर दो इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा? डी ओ टू अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टू के वन, यानी टोटल 3 K1 × O3, सेम रिजल्ट। करण शर्मा जी, कुछ कंफ्यूजन आपको ना तो क्वेश्चन से भी नहीं क्लियर है आप क्या पूछना चाहते हो, और मैंने सब कुछ एक जैसा लिया है तो आप अपना कंफ्यूजन जो है क्लियर करो, बहुत क्लियर है, कहीं कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल जहां पर हमने आरटीएस और स्टडी स्टेट जो हमने सीखे थे उसको हमने यहां पर अप्लाई किया है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ रहा हूं। अब यहां पर हम रिवर्सिबल और सिक्वेंशियल को कंबाइन करने वाले हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ट्वाइस एनओ प्लस ओ टू कन्वर्टिंग इंटू ट्वाइस एनओ टू, इसकी मैकेनिज्म हमें गिवन है, ट्वाइस एनओ एन टू ओ टू, और ये जो एन टू ओ टू है ये फिर O2 के साथ रिएक्ट करके ये बना था ट्वाइस NO। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इसे हम लिखते हैं K1, और इसी का बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को ऐसे लिखा जाता है K सबस्क्रिप्ट में माइनस वन है, सबस्क्रिप्ट में माइनस वन है यानी
बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड फर्स्ट रिएक्शन का, और यहां पर ये के टू। और साथ में हमें ये भी गिवन है फास्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये लिखा हुआ है यहां पर और यहां लिखा हुआ है स्लो। अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर एक जगह फास्ट लिखा हुआ और बाकी जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बाकी सब स्लो है। बिकॉज अगर कोई फास्ट है, ये सब रिलेटिव टर्म्स है, एक कोई फास्ट है तो ऑब्वियस ही बात है यानी बाकी सारी स्लो होगी। तो बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में, यहाँ फास्ट लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ फास्ट लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें तो नहीं पता है। अरे ये फास्ट लिखा हुआ ही किसके रेस्पेक्ट में है? ये फास्ट क्या एब्सोल्यूट टर्म है? नहीं, ये फास्ट है ही इसी के रेस्पेक्ट में, तो रिलेटिवली ही होता है। अगर एक किसी को स्लो लिख दिया मतलब बाकी सब फास्ट है। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ये दो स्टेप है जिनको हमने यहां पर यूज किया, फास्ट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर रिवर्सिबल भी है, इसको अब यहां पर फास्ट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि इसको इक्विलिब्रियम में आने में जो टाइम लगेगा वो बहुत कम लगेगा, मतलब इसका जो K1 और K-1 है उनकी वैल्यूज इस K2 से बहुत ज्यादा है। K1, K-1 की वैल्यू K2 से बहुत ज्यादा है, ये इसका मतलब है, जिसके कारण इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आने में जो टाइम लगेगा वो बहुत कम लगेगा, ये रिएक्शन बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। टाइम जो लगेगा इक्विलिब्रियम तक आने में वो बहुत कम होगा। और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, अगर आपने मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम कुछ डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब करने के बाद वापस से इक्विलिब्रियम में आने में जो टाइम लगेगा वो भी बहुत कम होगा। तो हम ये कहते हैं कि फास्ट इक्विलिब्रियम का मतलब इसको इक्विलिब्रियम में आने में जो टाइम लगेगा वो बहुत कम लगेगा। इसको फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंस टाइम बहुत कम लग रहा है इक्विलिब्रियम में आने में, तो ऑलमोस्ट हर टाइम पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगी। जैसे ही आपने कुछ चेंज किया वापस रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगी, फिर कुछ चेंज किया वापस रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगी। हाँ, अगेन क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट से मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम की स्टेट में से क्या मतलब हुआ? तो उसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है, दैट इज N2O2 अपॉन NO का स्क्वायर। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तभी आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो तभी के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर इस पर सिंस ये फास्ट इक्विलिब्रियम है, तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि किसी भी टाइम पर ये कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो K1 अपॉन K-1 के बराबर होगा, किसी भी टाइम पर इसके बराबर होगा। हाँ, आप कह सकते हो नहीं सर इक्विलिब्रियम आने के बाद फिर डिस्टर्ब हो गया, तो हम कहेंगे फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इसका यूज कहां आएगा वो भी मैं बता देता हूं। अब यहां दो मेथड नहीं, ये एक अलग सा केस है, ये अलग सा केस है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर अब हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है ओवरऑल प्रोडक्ट के बनने की रेट। तो ओवरऑल प्रोडक्ट के बनने की रेट मतलब डी वन बाई टू डी एन ओ टू अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टू इन टू एन टू ओ टू अपॉन ओ टू। और यहां पर एन ओ टू केवल इसी स्टेप से ही बन रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, एन ओ टू तो यहीं से बन रहा है, दैट्स इट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, मैंने आरडीएस का कॉन्सेप्ट लगाया क्योंकि एन ओ टू बनी यहीं से रहा है, तो हमने ये लिख लिया। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई, इसमें एक इंटरमीडिएट अपियर हो रहा है N2O2, और ये हमने कहा था कि हमारे एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट अपियर नहीं होना चाहिए, तो अब हमें इस इंटरमीडिएट को यहां से हटाना है। अब इस इंटरमीडिएट को हम कैसे रिमूव करें उसका तरीका मैं बता रहा हूं, इंटरमीडिएट को कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर अब स्टडी स्टेट नहीं लगा सकते, ये स्लो है, के टू कम है, तो स्टडी स्टेट वाले मेथड नहीं लगेंगे, स्टडी स्टेट वाला मेथड नहीं लगेगा अभी के। तो यहां पर इस N2O2 को कैसे रिप्लेस किया जाए, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन है कि ये एक फास्ट इक्विलिब्रियम है। फास्ट इक्विलिब्रियम है मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, उसमें टाइम कम लगेगा। हाँ, इक्विलिब्रियम आने के बाद मान लो आप कहते हो सर यहां पर N2O2 कंज्यूम होगा तो ये इक्विलिब्रियम तो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, जैसे N2O2 कंज्यूम होगा ये रिएक्शन फिर से वापस से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। यहां पर इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट है,
इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और वो रेशियो हमेशा किसके बराबर रहेगा, के इक्विलिब्रियम के बराबर रहेगा। तो यहां से आप कुछ मत करो, N2O2 की वैल्यू को यहां पुट कर दो, N2O2 की वैल्यू को यहां पुट कर दो, K2, N2O2 इक्वल्स K1 अपॉन K माइनस 1 ये हमारा आंसर है। और इसको भी आप, इसको आप सिंपली k लिख सकते हो, k ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ये फाइनल इसका आंसर हुआ है। क्वेश्चन यहीं तक आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं तक आएगा, ये आपको पूछा जाएगा ओवरऑल देख, सॉरी ये नॉट या एनो, ओवरऑल यहां पर NO की पावर 2 यानी NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 और O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, और इसे बोला जाता है ओवरऑल रेट कांस्टेंट, दिस इज नोन एज ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो ये स्टेप्स आपको याद रखनी, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, ये फास्ट इक्विलिब्रिया, ये स्लो इक्विलिब्रिया, इस तरह की लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर होगी, तब हम इस मेथड से कर सकते हैं। फिर से बहुतों के माइंड में आता है सर ये फास्ट इक्विलिब्रिया नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, फिर एक्चुअल तरीका करना पड़ेगा, और एक्चुअल तरीका हमें नहीं करना, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर हम कुछ सिंपल से स्टेप्स में आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस है जो हम यहां पर सॉल्व करें, होता है क्या जब मैं ये पढ़ाता हूं तो फिर एक दिन बाद कोई स्टूडेंट आता है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको नहीं दिमाग लगाना, बड़ा सिंपल सा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिसमें ये इस तरह का क्वेश्चन हो, बाकी नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पर ये तरीके याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हम किस तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एट द एंड इसी में एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एक एग्जांपल मैं यहां पर और ले रहा हूं, ये अगेन ऑलमोस्ट इसी तरह की कोई रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट रिएक्शन रिवर्सिबल है और सेकंड रिएक्शन में ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो फर्दर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि कौन स्लो है कौन फास्ट है। तो क्या इसका मतलब हमें डिसाइड करना है कि कौन स्लो है कौन फास्ट है, नहीं, आपको भी नहीं करना है। अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यह है कि इन सबकी जो इन सबका रेट कॉन्स्टेंट है वो कंपेरेबल है, इन सब के रेट कांस्टेंट्स कंपेरेबल है, ये नहीं कि इसका ज्यादा इसका कम, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप किसी के रेस्पेक्ट में किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, किसी के रेस्पेक्ट में किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो फिर यहां पर अब इसकी भी, इसको आप फास्ट इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते, इसको फास्ट इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते, तो अब अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो वापस इक्विलिब्रियम में आने में टाइम लगेगा, और वापस इक्विलिब्रियम में आने में जब टाइम लगेगा तो उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर प्रॉब्लम अब क्या है, पी के बनने के लिए, पी तो केवल इसी रिएक्शन से बन रहा है, दो रिएक्शन से, तो डीपी अपॉन डीटी तो मैं लिख सकता हूं के टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, बट अब इसको कैसे रिप्लेस किया जाए, इसको कैसे रिप्लेस किया जाए, यहां पर अब हम ये वाला तरीका यूज नहीं कर सकते यहां पर कि k इक्विलिब्रियम यानी k1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल्स टू i अपॉन a इंटू b, ये नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि ये फास्ट नहीं है, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वापस इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगेगा, तब तक ये रेशियो जो है इसके बराबर नहीं होगा, फिर इक्विलिब्रियम आ गया फिर डिस्टर्ब हो गया फिर ये रेशियो बराबर नहीं होगा, तो यहां पर अब ये रेशियो जो है इसके बराबर हमेशा नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, तो देखिए यहां पर सही में तो आंसर एक्चुअल तरीके से ही आएगा, बट जब भी एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन देता है तो वो एक लाइन यहां लिखता है, क्वेश्चन में ही लिखता है, यूजिंग स्टेडी स्टेट मेथड फाइंड एग्जामिनर ने क्या बोला, यूजिंग स्टेडी स्टेट मेथड,
यानी आप तो स्टडी स्टेट मेथड से आंसर निकालो। हाँ ये अलग बात है कि यहाँ स्टडी स्टेट भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि स्टडी स्टेट तब एप्लीकेबल होती है जब के टू के वन से बहुत बड़ा होता है। जब के टू के वन से बहुत बड़ा होता है तब ये एप्लीकेबल होती है। लेकिन हम एग्जामिनर इस तरह की लैंग्वेज पुट करते हैं कि स्टडी स्टेट से करो, तो फिर हम स्टडी स्टेट से सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अप्लाइंग, ये क्वेश्चन का पार्ट है, अप्लाइंग स्टडी स्टेट मेथड के वन, बनने की रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, डिसअपियर होने की रेट इसकी रिवर्स रिएक्शन से भी डिसअपियर होगा k माइनस वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई, k2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, पुट कर दो यहां पर। तो इसको अगर हम वहां पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू के वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, डीपी अपॉन डीटी इक्वल्स टू के टू के वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी के माइनस वन के टू इंटू सी। ये फाइनल आंसर है आपका, ये आपको पूछा गया, यही आपका फाइनल आंसर है। मिश्रा जी थोड़ा सा टफ पार्ट है, आसान नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा, जेई है ये, जेई सब कुछ बता चुका हूं, बहुत कुछ क्लियरली बोला है। वापस से आप इस वीडियो को फिर से सुनो, इसमें और कुछ इसके अलावा बोलने के लिए नहीं है, बहुत स्लोली मैंने सारी स्टेप्स करवाई है ना। तो यू हैव टू ट्राई इट और कोशिश करिए, ठीक है। और जो इररिलेवेंट कमेंट है उनके कोई आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो कृपया करके वो नहीं पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट में ये रिजल्ट तो आ गया, बट इससे मैं बहुत कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहां से मैं अब आपको बताने जा रहा हूं जो जेई में इस तरह से पूछे जा चुके हैं और जिसके चांसेस भी हैं, वो क्या वो बताता हूं। अच्छा ये बताओ यार, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है? बहुत बार हम कहते हैं ना ऑर्डर, हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर। ए की पावर वन, बी की पावर वन, सी की पावर भी वन है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि एक सी यहां पर भी है, एक सी यहां पर भी है। अब क्या करें, इसका सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कहां, यहां से निकाले या यहां से निकाले, कैसे करें। अब जो मैं बातें बताना चाह रहा हूं बहुत अच्छी तरह से सुनना, बहुत केयरफुल होके सुनना, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। नाउ लिसन इट, इस रिएक्शन का अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहां पर ये जो रिएक्शन है इसका कोई ऑर्डर ही डिफाइंड नहीं है, कोई ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। यानी इसका एक और मतलब मैं बोलता हूं, हर एक रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइंड हो ये जरूरी नहीं है, ऑर्डर डिफाइंड हो ये जरूरी नहीं है। देखिए ऑर्डर एक टर्म है जो कि हमने इंट्रोड्यूस की थी, लेट से बड़ा सिंपल सा था, यहां पर यूं कह दो कि यहां एक ही रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर अब मैंने बोल दिया कि इसका ऑर्डर टू है, तो
क्या हुआ, बड़ा आसान हो गया आपके लिए एक्सप्रेशन को लिखना कि चलो ऑर्डर टू है तो रेट जो होगी वो ए की पावर टू पर डिपेंड करेगी, ऑर्डर थ्री है तो रेट ए की पावर थ्री पर डिपेंड करेगी, यानी कम्युनिकेशन आसान हो गया, लैंग्वेज आसान हो गई, ऑर्डर 1.5 है आसान हो गया। तो जहां ये पॉसिबल है वहां आप ऑर्डर वर्ड यूज करो, लेकिन अगर जहां ये पॉसिबल नहीं है वहां पर अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता, यहां पर तो मुझे बोलना पड़ेगा कि इस रिएक्शन की जो रेट है, पी के बनने की जो रेट है वो कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, कोई ऑर्डर वर्ड नहीं है, कोई ऑर्डर वर्ड नहीं है। गॉट माई पॉइंट, फर्स्ट थिंग। तो हर एक रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइन हो ये नहीं होता है, सिंपल सी रिएक्शन है हो सकता है हर एक रिएक्शन का हो, ये जरूरी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन आता है, इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। अब इससे पहले एक और, थोड़ी देर पहले मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, याद है NO2F आई थिंक, या NO अपॉन O, वहां पर इस तरह से कुछ आया था K2K1 अपॉन K-1 NO का स्क्वायर O2, जहां पर हमने इन सबको कंबाइन कर दिया था, लेकिन यहां पर तो मैं नहीं कर सकता K1 K2 या K-1 और प्लस K2 जिसके साथ सी है, इसको तो नहीं कर सकता। तो व्हाट अबाउट रेट कांस्टेंट, इसका भी कोई रेट कांस्टेंट नहीं है, यानी इस रिएक्शन के लिए सिंपली बस ये बोल सकते हो कि देखो ये रेट लो है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट वेरी कर रही है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट वेरी कर रही है, ये आपको बोलना पड़ेगा। यहां पर रेट कांस्टेंट टर्म डिफाइन नहीं हो सकती अलग से, कि ये अलग से रेट कांस्टेंट है, यहां पर कभी आपको कोई ऐसे रेट कांस्टेंट नहीं दे सकता कि इसकी वैल्यू 5×10^-2 है, ऐसे नहीं होगी, ये एक्सप्रेशन होगा जिसमें हर एक की वैल्यूज आपको गिवन होगी। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि हर एक रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है और हर एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिफाइन नहीं होता, रेट कांस्टेंट डिफाइन नहीं होता। हाँ, ये सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, एलिमेंट्री के लिए आप आसानी से कर सकते हो, एलिमेंट्री के लिए कर सकते हो, और कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये पॉइंट्स बताया, ये अच्छी तरह से याद रखना। तो ये तीन केसेस मैंने स्पेशली यहां पर लिए। नाउ इस चैप्टर के अंदर अब मैं एक टर्म पर आ रहा हूं जो शायद आप बहुत बार सुन चुके हो, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी। ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, ये मॉलिकुलरिटी वर्ड भी बहुत जगह आता है, तो क्या डिफरेंस है अब हम इस टर्म को समझ सकते हैं। बहुत बार क्या होता है बुक्स के अंदर ये टर्म सबसे पहले आती, बट मुझे लगता है कि अब हम इस पोजीशन में कि थोड़ी बहुत इस मॉलिकुलरिटी टर्म को हम समझ सकते हैं, तो मैं इसी को समझा रहा हूँ। व्हाट इज मॉलिकुलरिटी, इसकी एक नहीं दो डेफिनेशन हम यूज करेंगे, अगर हमें मॉलिकुलरिटी को समझना है तो दो डेफिनेशन मैं यहां पर बताऊंगा, और उन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन कहाँ यूज करनी ये पहले से पता हो, दोनों में से कौन सी डेफिनेशन आपको कैसे यूज करना है वो पहले से पता हो। अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो सही जगह पर सही डेफिनेशन को हम यूज करें, सही जगह पर सही डेफिनेशन को हम यूज करें तभी समझ में आएगा। फर्स्ट नॉर्मली एक और चीज बता दो, बुक्स में इस तरह से अलग अलग करके डेफिनेशन नहीं होती कि सर दो डेफिनेशन है बुक्स में तो नहीं लिखी हुई है, बुक्स में नहीं लिखी हुई होती, मैं आपको फिर भी इनको अलग अलग करके बता रहा हूँ। हाँ, ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो हर जगह बुक्स में मिलेंगे। तो लिखिए, इट इज इक्वल टू द, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स of reactants in an elementary reaction
इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी रिएक्शन को देखकर आप और हम ये नहीं बता सकते कि ये एलिमेंट्री है या नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंटली ही चेक करना पड़ता है। तो राइट नाउ हमें यहां पर गिवन है कि ये कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन है, गिवन है हमें, हमने कुछ नहीं किया। और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो यहां पर कोफिशियंट केवल वन ही है, रिएक्टेंट का वन, यहां पर टू है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी टू, यहां पर इसका सम थ्री तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी थ्री। कुछ नहीं करना, आपको एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, रिएक्टेंट्स के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट का सम कर लो, मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी। इसे बोला जाता है मोनोमोलिकुलर रिएक्शन, इसे बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोला जाता है, इसे ट्राई या टर भी बोला जाता है, ट्राई या टर मोलिकुलर रिएक्शंस, ये टर्म्स भी यूज होती है। तो यहां पर कह सकते हो सर इसमें तो बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं है हमें, हमें तो बस कोफिशिएंट का सम करना है, दैट्स इट। और उसी को क्या बोल दिया, मॉलिक्युलरिटी। इससे क्या हुआ, आंसर तो आ गया हमारा मॉलिक्युलरिटी का, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। आंसर लेकिन आ गया, समझ में कुछ नहीं आया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मॉलिक्युलरिटी निकालनी है, तो ये कन्फर्म है एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी होगी, आपको केवल सम करना है, हम मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें सेकेंड डेफिनेशन यूज करनी होगी। बस इस सेकेंड डेफिनेशन का ड्रॉबैक यही है कि इसे आप मोनोमोलिकुलर रिएक्शन पर नहीं लगाओगे, मोनोमोलिकुलर पर नहीं लगाओगे, या तो उसको बाइमोलिकुलर या टर्मोलिकुलर इसी पर सोचोगे, इस पर नहीं सोचोगे। अगर इस पर लगाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बात अब हम इसी पर करेंगे, बाइमोलिकुलर या टर्मोलिकुलर। सेकेंड डेफिनेशन लिखिए, इट इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द या सम वर्ड हटा दो, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, इट इज इक्वल टू दी। अखिलेश मिश्रा जी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है वो मुझे सब पता है, बहुत कुछ पता है, तो प्लीज ना, आई नो वेरी वेल, लाइन टू लाइन मुझे सब पता है। अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, ओके okay, आपने कुछ एनसीईआरटी में पढ़ा है वो अलग रखो, ये मत लाइन लिखो एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ है, पहले पढ़ो लिखा हुआ वो लिख दो, केवल एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ वो लिख दो यहां पर, और फिर उसका मतलब निकालो। एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं कि ये जो बाकी के स्टूडेंट्स है ना उनको कुछ नहीं भी पता होता तो उनमें कंफ्यूजन फैल गया। आप एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो यहां लिखो, फिर इस पर बात करते हैं। सब कुछ सही बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो भी है, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं एनसीईआरटी में कुछ, और मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक, आप ऑलरेडी अपने माइंड के अंदर कुछ है उसको यूज कर रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, तो एनसीईआरटी में अभी जो मैंने चीज नहीं बोली पता है आप, मैं कुछ, हाँ ये जरूर है कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो एनसीईआरटी में अलग लिखा हुआ, लेकिन वो अभी तक नहीं बोला है, वो नहीं बोला अभी तक, जो मैंने बोला वो तो एनसीईआरटी में भी है ना। अब दूसरी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, तो यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी टू है, इसका मतलब क्या हुआ, एक के दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। खैर दो मॉलिक्यूल में साइमल्टेनियस का कोई मीनिंग नहीं होता, वो तो हमेशा ही साइमल्टेनियसली, यानी मॉलिक्यूलरिटी टू है मतलब दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। यहां मॉलिक्यूलरिटी थ्री है, इसका मतलब क्या है पता है, कि ए का एक और बी के दो मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं। ऐसा नहीं पहले एक ए और एक बी टकरा गया फिर थोड़ी देर के बाद बी आके, नहीं, ए और बी के दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली विदाउट एनी टाइम लैग एक साथ वो टकरा रहे हैं।
तो एक साथ कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वो उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। जैसे इसको मैं रेंडमली बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये इसी तरह से हो, कोई भी रिएक्शन, जैसे थोड़ा यहां ए बी है तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेट से मैंने ऐसे लिख दिया, ये एलिमेंट्री है, मैं लिख रहा हूं इट इज एलिमेंट्री, सो बी केयरफुल। अब मैं कहता हूं अगर ये एलिमेंट्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, दो एनओ के मॉलिक्यूल और एक एफ, दो एनओ टू के मॉलिक्यूल और एक एफ टू का मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहा है, एक साथ टकरा रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी आपको क्या बताती है कि कितने मॉलिक्यूल एक साथ टकराते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। गॉट माय पॉइंट? कितने मॉलिक्यूल एक साथ टकराते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी होती है। यहां पर मैं कह रहा हूं ये तीनों एक साथ टकरा रहे हैं, ये दोनों एक साथ टकरा रहे हैं, ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी हुई। लेकिन अब आप यहां पर कह सकते हो, अब आप यहां पर ये कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होती है। क्यों नहीं होती? जैसे एग्जांपल, ट्वाइस एनओ प्लस ओ टू कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस एनओ टू। अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है? पहले ये इसकी मैकेनिज्म हम लिख रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म का मतलब कि पहले दो एनओ के मॉलिक्यूल एन टू ओ टू में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर ये एन टू ओ टू एक और ओ टू के साथ कोलाइड करके एनओ टू एफ एनओ टू बना रहा है। यहां पर ये दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, केवल दो, इसकी मॉलिक्यूलरिटी टू हुई, दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। यहां पर एक इसका और एक इसका कोलाइड कर रहा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी टू हुई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग है, इसकी अलग है। अब अगर आप इन रिएक्शंस को ऐड करते हो तो ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलरिटी को भी ऐड कर दो, मॉलिक्यूलरिटी को ऐड नहीं कर सकते, इसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग से डिफाइन होगी, इसकी अलग से डिफाइन होगी। इसीलिए एनसीईआरटी में भी एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, बहुत क्लियर, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। मॉलिक्यूलरिटी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें बहुत सारी स्टेप्स है, वन टू स्टेप्स होगी उसकी, बहुत सारी एलिमेंट्री, हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। रिएक्शंस को ऐड कर सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी को ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं कह दूं कि इसकी कि यहां पर टू है, बस अलग अलग है, इनको ऐड नहीं कर सकते, ये दो टकरा रहे हैं, ये दो अलग से टकरा रहे हैं। और इस रिएक्शन से देखिए, ये नहीं कह सकते कि सर यहां एक और यहां दो है तो तीन कोलाइट कर भी नहीं रहे, तीन कोलाइट कर भी नहीं रहे, तो ये मॉलिक्यूलरिटी इसकी अलग है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बिल्कुल अलग है, राइट। सेकंड थिंग, इसी से एक और चीज निकल के आती, नॉर्मली हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी जो होती ना, थ्री या इससे ज्यादा जो होती है वो रेयर होती है, रेयर होती है। क्यों? क्योंकि एक साथ चार मॉलिक्यूल टकराए, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है चार मॉलिक्यूल एक साथ टकरा पाए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शंस आप देखोगे, यानी जितनी भी मैकेनिज्म आप देखोगे ना, उसमें ज्यादातर या तो एक या दो या कभी कभी तीन हो सकते हैं। कभी भी आपको रिएक्टेंट्स का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम चार नहीं दिखने वाला, चार नहीं दिखने वाला। मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ऐसे तो ऐसी रिएक्शन बहुत होती है, Cl2+6KOH और इस तरह से, या इसको ऐसे लिख दूं KMnO4, और ऐसी आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी होगी, 2KMnO4 प्लस यहां पर कुछ 5H2C2O4 प्लस HCl समथिंग। ये एलिमेंट्री नहीं है, ये एलिमेंट्री नहीं है, ये बहुत सारी स्टेप्स में होती है। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के कोफिशिएंट का सम जनरली दो तीन इसी तरह से होता है, थ्री। तो एक स्टेटमेंट आप और लिख सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन थ्री इज रेयर, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन थ्री इज रेयर। हाँ, ये थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, यानी एग्जैक्टली मना भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, ग्रेटर देन थ्री इज रेयर। तो अगर आपसे भी कोई पूछे कि मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन थ्री, तो पहला सेंटेंस इज रेयर, कुछ जगह पर हो सकता है बट जनरली हम कहते हैं कि नहीं होता है। हाँ, यहीं पर भी मैं बता दूं, अगर आपको आंसर ही ये पूछना कि क्या मॉलिक्यूलरिटी फोर हो सकती, अब
अगर मेरे पास यस नो और रेयर ये तीन ऑप्शन है तो आई विल गो फॉर रेयर, मॉलिक्यूलिटी फोर विल बी रेयर। लेकिन कोई कहता नहीं सर रेयर वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही आपके पास यस या नो वाला है तो फिर हम नो पर जाएंगे। बहुत क्लियर कट मैं बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्या करना है एग्जैक्टली मैं वो बात कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट जहां डाउट्स है उसी की बात कर रहा हूं, और जो मैं बता रहा हूं वो आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलिटी राइट, ओके देन आगे बढ़ते हैं। अखिलेश मिश्रा जी पढ़ो उस डेफिनेशन को, आपको उस डेफिनेशन, उन्होंने दोनों डेफिनेशन को ही एक साथ मिक्स कर लिया, उन्होंने दोनों डेफिनेशन को ही एक साथ मिक्स कर लिया, तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ना अच्छी तरह से ठीक है। एलिमेंट्री वर्ड लिखा हुआ वहां पर कि एलिमेंट्री रिएक्शन, गॉट इट, सो लिसन इट केयरफुली। अभी सुनो केवल, आप अपनी रामायण छोड़ दो, डिस्टर्ब कर रहे हो आप मुझे भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी, केवल अपना पॉइंट ऑफ एंगल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वो आपको नहीं समझ में आ रहा और आपके सेंटेंस जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके अब यहां पर एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर, सेकंड पॉइंट जो हमने लिखा, उसके बाद एक और पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन को भी हम इससे थोड़ा सा, अच्छा यहीं पर मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? किसी का आधा मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर सकता, आधा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो दो मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल करेंगे, दो तीन, किसी का एक और किसी का आधा नहीं कर सकता, यानी मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी जीरो का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, जीरो मॉलिक्यूल कोलाइड करें तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। इसी के साथ अब आप एलिमेंट्री रिएक्शन को भी थोड़ा समझ सकते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन को थोड़ा कैसे समझ सकते हैं, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन। और अब यहां पर ही आता सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि PCl5 डायरेक्ट PCl3 और Cl2 में जा रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, यही मतलब हुआ एलिमेंट्री का, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। अब बहुतों के माइंड में क्या आता है, नो इंटरमीडिएट, एलिमेंट्री मीन्स नो इंटरमीडिएट। और एक और चीज हम बोलते हैं कि इसका ऑर्डर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और वो किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। ऑर्डर किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। नाउ यहां तक तो ठीक है, अब बहुतों के दिमाग में आता सर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अब क्या होगा, क्या इसे एलिमेंट्री बोलना है, क्या ये एलिमेंट्री है, अब फंस जाते हैं यहां पर, अब हम यहां फंस जाते हैं, कैसे फंस जाते हैं वो बताता हूं। अगर मैं इसको एलिमेंट्री बोल देता हूं तो फिर इसका ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, यानी ऑर्डर टू हो गया, यानी ऑन पेपर आपने रिएक्शन को अलग लिखा तो ऑर्डर बदल गया, ये तो नहीं होता, गलत हो जाए तो आप एलिमेंट्री नहीं बोल सकते। तो फिर आता सर कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब, और कॉम्प्लेक्स जैसे ही बोलोगे इसका मतलब ही होता कि फिर तो सर इंटरमीडिएट बनना चाहिए, और इस यहां पर तो कोई इंटरमीडिएट भी नहीं बन रहा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, फिर बस कर कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोल सकते, यानी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एलिमेंट्री भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि एलिमेंट्री बोलते ही यहाँ पर ऑर्डर टू हो जाएगा, या एलिमेंट्री बोलते ही मैं ये बोल रहा हूँ कि दो मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर ही नहीं रहे PCl5 के, डायरेक्ट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ना तो आप इसे एलिमेंट्री बोल सकते हो ना कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। फिर क्वेश्चन क्या बोले, तो या तो सिंपली बोलो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको मैं ऐसे बोलता हूं, अगर आप किसी एलिमेंट्री रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हो, फिर आप उसे एलिमेंट्री नहीं बोलोगे, हाँ उसे आप क्या बोल सकते हो, बैलेंस्ड रिएक्शन बोल सकते हो। ये ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसे है वैसे रहेगी, वो करके लिखते हो तो लिख सकते हो बैलेंस्ड है, अब एलिमेंट्री नहीं बोलो, एलिमेंट्री तो जो गिवन थी वही रहेगी। तो ये पॉइंट याद रखना,
उसको कभी भी ये चेंज नहीं, बैलेंस्ड बोल दो, राइट, ये चीज याद रखना। तो इससे थोड़ा सा आई थिंक कोशिश करना, ये बहुतों का डाउट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सर ये एलिमेंट्री है, आपके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या वन है, अब मैंने इसको इससे लिख दिया, लिख सकता हूं, मैं कहूंगा हाँ लिख सकते हो, अब आप वो मेरे से कहता है सर मैंने इसको ये भी ये एलिमेंट्री थी तो ये भी एलिमेंट्री है, अब जैसे ही मैं इसे एलिमेंट्री बोलूंगा वो कहेगा ऑर्डर स्टोइकोमेट्री के बराबर यानी ऑर्डर टू, लो सर ऑर्डर बदल दिया, नहीं, तो इसको अब क्या बोलोगे, राइट, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो दिस इज अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन, टाइम हो गया, इसके बाद भी एक और क्लास है, तो ये एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एक जगह एनसीईआरटी में यहां गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो क्या है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बट ये जो पॉइंट्स है वो एज इट इज आपको याद रखना। ओके, थैंक यू।